देखिए, पंचायत बुलाई है, जो हमारी बातचीत हुई है जो सरकार के साथ, थोड़ी वो हमने पहले ही बोला था कि जो हमारे खाप पंचायत जितने भी हमारे चौधरी हैं और जो संगठन हमारे साथ जुड़े हैं उन सब से एक बार बातचीत करके वो आगे बताएंगे। आज कोई फैसला ले सकते हैं? देखिए, अभी बात करने के लिए बुलाए हैं, एक बार जो हम अपनी बात रख देते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बात हुई उसके बाद बात करेंगे। सभी पहलवान पहुंचेंगे इसमें? जी बिल्कुल, खापों के प्रतिनिधि, किसान नेता, हाँ सभी आ रहे हैं, सभी को इनवाइट किया है, एक एक दो दो लोग सभी, इतनी बड़ी नहीं बुलाई लेकिन इतना कि भाई हम उन लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा दें। क्या रणनीति बन सकती है इसमें? वही बताया मैंने कि भाई एक बार जो हम बात करके आए हैं गवर्नमेंट के साथ वो चीज़ें हम यहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे। सोनीपत की छोटू राम धर्मशाला में पहलवान एक बार फिर महापंचायत करने जा रहे हैं। सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, यहां पर खापों के प्रतिनिधि और किसान नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद यहां पर जो पहलवान है बजरंग पुनिया, विनेश फोकाट या साक्षी मलिक की बात करें वो भी यहां पर पहुँच सकते हैं और यहाँ पर एक बड़ी महापंचायत की जाएगी जिसमें कोई पहलवान बड़ा फैसला किसान नेता और खाप प्रतिनिधियों के साथ ले सकते हैं। हम बातचीत करेंगे यहाँ पर पहुँचे जो किसान नेता उनसे कि आज महापंचायत में क्या, आज जो महापंचायत उसमें पहलवान भी पहुंचेंगे? हाँ, पहलवान पहुंच रहे हैं क्योंकि पहलवानों ने ही इस पंचायत को बुलाया है, पहलवानों द्वारा इस पंचायत का आयोजन किया जा रहा है और आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लेंगे। जहां तक हमारी नॉलेज में बात है वो ये है कि अभी दो दिन पहले जो पहलवानों की मीटिंग हुई खेल मंत्री के साथ, तो खेल मंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको कुछ सुझाव दिए गए, कुछ प्रपोजल दिए गए, समझौता करने की बात कही गई, लेकिन पहलवानों ने स्पष्ट कह दिया वहाँ पे कि भाई हम समझौता करने वाले कोई नहीं है। जिन किसान संगठनों ने, जिन सामाजिक संगठनों ने, जिन सामाजिक संगठनों ने हमारा सहयोग किया उन सब से हम चर्चा करेंगे, उन सबको हम विश्वास में लेंगे और उनसे पूछ कर ही आगे का कोई हम कदम उठाएंगे, आगे का कोई निर्णय लेंगे। तो आज अभी देखिए पहलवान आएंगे, वो पूरी मीटिंग का एजेंडा रखेंगे, उसके बाद सबके सामने बात शुरू होगी। हमारे साथ किसान नेता और भी हैं। आज जो महापंचायत हो रही है ये पहलवानों की तरफ से महापंचायत की जा रही है? ये पहलवानों की तरफ से, जैसे अभी मनु भाई ने बताया, पहलवानों की तरफ से ये पंचायत बुलाई गई है और पहलवानों को कोई अपनी तरफ से प्रपोजल सरकार ने दिए हैं लेकिन वो मानने योग्य हैं कि पहलवानों पर दबाव बना करके उनको आम ही भरवाई जा रही है, देखने वाली बात होगी। हमारी ये मांग है कि जैसे नाबालिग लड़की के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट की वो बात आई है उसको निकल करके, तो उसमें तो पहले उसको जेल में डालो उसके बाद आगे बढ़ा जाए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार चाहती है उस बात को छोड़ करके बात चले। उस नाबालिग बच्ची ने तो मामला जो वापस ले लिया अपना, 164 के बयान उसके दर्ज हुए, उसके 164 के बयान दर्ज हुए, उसके पिताजी ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि बयान हमारे, हमने बयान बदले हैं लेकिन हम लड़ाई से पीछे नहीं हटे हैं। तो जैसे भी हर रोज आप देख रहे हो, शुरू से ही ये बात आ रही थी कि एक लड़की नाबालिग नहीं है, उसका चाचा आता है ये नाबालिग नहीं है, पिताजी कहता है मेरी बेटी नाबालिग है, तो ये दबाव तो शुरू से ही दिया जा रहा था। अगर अब निर्णायक फैसला नहीं निकलेगा तो हो सके इन बच्चों को आंदोलन से हटा दिया जाए। कौन कौन पहुंचेगा इस आज महापंचायत में? यहाँ पर बजरंग पुनिया होगा, साक्षी मलिक होगी और हो सकता है विनेश फोगाट भी रहें, बाकी सभी बच्चे आने की संभावनाएं हैं।